धमाल मचाता है। आप देखते हैं बिग बॉस, कौन है आपके कोई फेवरेट टीम है टेलीविजन? मैं आपको बताऊं तो मुझे बिग बॉस 14 जो है वो ऑफर हुआ था, लेकिन मुझे एक्चुअली उस टाइम पे मैंने ये रीज़न दिया था कि मुझे नहीं लगता कि वो प्लेटफॉर्म अभी मेरे लिए है, क्योंकि कुछ उस प्लेटफॉर्म पे कुछ स्किलफुल, मतलब बीइंग अ एक्टर यू कैन नॉट लाइक पॉपुलैरिटी तो बढ़ जाती है ना आपकी। नहीं, पॉपुलैरिटी तो फिर अब किसी भी चीज़ से बढ़ सकती है, किसी भी चीज़ से बढ़ सकती है। बहुत बड़ा है, सलमान सर है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली शो बहुत बड़ा है, नो डाउट। कभी फ्यूचर में लगा मैं उस प्लेटफॉर्म के लिए, मुझे लगा कि मैं तैयार हूँ, तो यस आई वुड लव टू गो, बट कैसा अभी मुझे नहीं लगता कि मैं जाके उस माहौल में सरवाइव कर पाऊँगा या कर पाता। आपके कोई फ्रेंड्स गए हैं टेलीविजन से, या कोई आप जिसको देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होता है ना कभी कभी शाम के वक्त या क्लिप आई थिंक लास्ट सीज़न जो था 13 में, उसमें बहुत सारे जो कंटेस्टेंट थे मेरे फ्रेंड्स थे, इस बार भी हैं, जैसे रुबीना है, और मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग भी वही है। रुबीना को कैसे देख रहे हैं आप खेलते हुए? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोग बोलते हैं सुपीरियरिटी है, लेकिन वो काफ़ी मुँह तोड़ जवाब देती है सच के। नहीं तो अच्छा है ना, अगर सच के लिए आपको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ता तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा खेल रही है। And how you see Jasmine Ali ने एक तरफ का ड्रामा क्रिएट किया, लव रिलेशनशिप, आप उसको कैसे देखते हैं? शो के लिए लोग करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, शो के लिए बहुत से लोग करते हैं, बट माइट भी ये सच हो, नेवर नो। किसी की फीलिंग्स तो आप रीड नहीं कर सकते। अब मैं ये बोल दूं कि नहीं वो फेक है या TRP के लिए हो रहा है तो गलत होगा। राखी सावंत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो कंप्लीट एंटरटेनर है, कंप्लीट एंटरटेनमेंट एंड जस्ट एंटरटेनमेंट। ओके, आखिर में कुछ कहना चाहिए आपके दर्शकों के लिए, आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा? मैं तो प्रे करूंगा रुबीना के लिए, ऑब्वियसली फ्रेंड है तो उसी के लिए प्रे करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिल्म के लिए विक्टिम क्या है? विक्टिम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और विक्टिम में जो है, मैं ऑब्वियसली मेरे लुक्स आपने देख लिया होगा ट्रेलर में, मैं कहीं से भी विक्टिम नहीं हूँ, बट हाँ मैं इस फिल्म में विक्टिम कर रहे हैं ऑब्वियसली तो मेरे थ्रू मैं लड़कियों को ना किडनैप करता हूँ और फिर उनका अलग अलग तरीके से मर्डर प्लान करता हूँ। तो इस फिल्म में आप ये देखोगे कि मैं उनका मर्डर प्लान कर कैसे रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, रीज़न ये कर क्यों रहा हूँ। How was the experience जब आपको ये स्क्रिप्ट दिया गया है इस तरह की फिल्में करने, क्या था आपका कि इस तरह का होना क्रिमिनल माइंडेड? नहीं देखिए, अभी तक कैसा है जो मेरी ऑडियंस रही है, उन्होंने मुझे कृष्ण, राम, विष्णु इन रूप में ज़्यादा देखा है, तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग होगा कि ये हमारे प्रभु जो हैं वो किस अवतार में निकल के आए हैं। तो इस ये जब फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी तब मुझे तभी लगा था कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि बहुत मोनोटनस हो गया था, तो मेरी ऑडियंस को पता तो चले कि उनका जो प्रभु हैं वो एक किसी और अवतार में भी अवतरित हो सकते हैं। तो इस तरह के अवतार मतलब बहुत ही गॉड जो आपने इतने कई सारे सीरियल टेलीविजन सीरियल्स किए, वहाँ पर इस तरह के अवतार करना मतलब बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह के, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा क्योंकि एक तरफ है? इसके लिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना कि मुझे एक भगवान को पोर्ट्रे करने में होता है, क्योंकि वो एक कैसा ना, हम सब की जो अच्छाई कर, हम सब बहुत कनेक्टेड होते हैं, कोई किसी गॉड से है, कोई किसी से है, कोई शिव को मानता है तो कोई किसी को मानता है, तो ऑब्वियसली वो पोर्ट्रे करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अदरवाइज लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले से कनेक्ट होते हो तो वो आपसे कनेक्ट होंगे। ये तो एक किलर था, ठीक है, ये तो ह्यूमन बींग था, तो मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं था, वो आई थिंक ज़्यादा टफ था। ओके, इसके अलावा क्या है आपकी प्लानिंग आने वाले दिनों में? फिल्म में आपने कर लिए, क्या ये फिल्म आपके लिए कितना चेंज मेकर होगा? ऑब्वियसली मैं तो यही विश करूंगा कि चेंज मेकर हो, और ऑब्वियसली होगी। आप सबने ट्रेलर देखा, नहीं देखा तो देखिए, और आप खुद आई थिंक मेरे से अच्छा आप लोग जज कर सकते हैं। टेलीविजन का शो लगातार आप